question tag. As we all know, in question tag we have to in question tag there are use I, we, she, he, they, there, it. जैसे कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में हम लोग आई वी ही शी दे इट इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं. जैसे कि हम मैं एग्जांपल दे रही हूँ. शी प्लेस गोल्फ. डजंट शी वो गोल्फ खेलती है ना वो गोल्फ खेलती है ना. सर डजंट लाइक कॉफी. डज ही सर को कॉफ़ी पसंद नहीं है, है ना. ऐसा कर करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. तो क्वेश्चन टैग हमेशा हमेशा एक सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं शी प्लेज गोल्फ डजंट शी. ये हमारा हो गया क्वेश्चन टैग. और यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है. शी इज नॉट फैट इज शी. वो मोटी नहीं है, है ना. या फिर है ना यूज कर सकते हैं. तो इसमें हमको क्वेश्चन टैग फाउंड करके ढूंढना है. तो आप लोग अब तक जान गए होंगे कि क्वेश्चन टैग हमेशा हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है. जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल. फिर एक सेकंड क्वेश्चन है. सर हैव अ बिग लाइब्रेरी हैजंट ही. सर के पास एक बड़ी लाइब्रेरी है, है ना. तो ऐसा कर करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. जैसे कि ही इज लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. वो इंग्लिश बोलना सीख रही है ना. तो इसका हम लोग कैसे इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट शी. तो ऐसे करते हैं कि हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. तो ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं क्वेश्चन टैग में. और जो क्वेश्चन टैग रहता है वो लास्ट में रहता है. ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं. यहाँ किस किस को क्वेश्चन टैग के बारे में नहीं पता है. सभी को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है. तो इसमें से आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन टैग रहता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है ना. जैसे कि हमने इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग इजंट वी. तो ऐसा हमने हमने लास्ट पिछले क्लास में क्वेश्चन टैग के बारे में सीखा है ना. तो ऐसा कर करके एक सेंटेंस बन गया. मतलब जैसे कि आपको कोई हेडिंग भी दिया रहता है तो उसमें से आप क्वेश्चन टैग बना सकते क्वेश्चन टैग बना सकते हैं. तो हियर इज अ क्वेश्चन. शी इज नॉट फैट इजंट शी. तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या होगा, किसे पता है यहाँ क्वेश्चन टैग क्या होगा. इजंट शी. जैसे ये राइट है, इसमें क्वेश्चन टैग होगा इज शी. तो हमें कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन टैग लगाना रहता है या फिर उनमें से क्वेश्चन टैग ढूंढना रहता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना. जैसे कि ऊपर लिखा भी होगा कि इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है कि फाउंड करना है. तो अगर देखिए ये जो शी इज नॉट फैट इजंट शी. तो जब हमें क्वेश्चन टैग फाउंड करना ढूंढना रहता है तो शी इज नॉट फैट इजंट शी. तो क्वेश्चन टैग हमेशा यहाँ लिखा होगा. और जब हमें क्वेश्चन टैग लिखना रहता है तो क्वेश्चन टैग यहाँ नहीं होगा. जैसे कि एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए. I am not late. तो ये यहाँ हमें क्वेश्चन टैग लिखना है, ढूंढना नहीं है. तो इसका क्या होगा. Am I. इसमें हमने क्या है, इसमें क्या है, हमें इसमें से क्वेश्चन टैग ढूंढना है. इसमें मतलब हमने क्वेश्चन टैग लिखा है और इसमें
हमने क्वेश्चन टैग ढूंढा है, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे कि यहाँ अगर हमें क्वेश्चन टैग लिखना रहता है तो ऊपर क्वेश्चन टैग का ये नहीं लिखा होगा, और अगर हमें क्वेश्चन टैग ढूंढना रहता है तो यहाँ क्वेश्चन टैग लिखा होगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा ना? यस मैडम। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे ढूंढेंगे, किसको पता है? तो इसमें क्वेश्चन टैग तो हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि इतने अल्फाबेट्स के बाद यहाँ कॉमा है, तो उसके बाद तो ये क्वेश्चन टैग होगा। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ क्वेश्चन टैग लिखा है, तो इसका क्वेश्चन टैग है। तो सो हम लोग इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, मतलब इसका क्वेश्चन टैग हमें लिखना है तो क्या होगा? इसी भी हो सकता है और रिजेंट शी भी हो सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए हम लिख रहे हैं तो देखा हमने हमने लिखा है, और इसका दूसरा होगा इसी भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका हमने एजेंट शी भी हो सकता है, इसी भी हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना होगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।